दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2014 से पहले भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या लगभग 60% से भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी 2018 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह संख्या अब काफ़ी कम हो गई है और भारत इस लिस्ट में काफ़ी नीचे आ गया है और पाकिस्तान इस लिस्ट में भारत से भी ऊपर निकल चुका है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर पीएम इमरान भी मोदी की योजना को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी योजना सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश के हों। तो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि इमरान मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो कर रहे हैं और सेम टू सेम अभियान पाकिस्तान में भी लागू करना चाहते हैं, और टॉयलेट बनाने पर इमरान खान ने भारत का नाम लेकर बोला है कि भारत कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर यह भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी, तो यानी कि ये सब डूएबल है, ये हो सकता है। हमारे एक जब से मैं होश संभाली है ये एक फीलिंग है कि यहां हम कोई रखना। तीसरा टॉयलेट्स, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में टॉयलेट्स की बड़ी कमी है और एक तो वो एक्सपेंड करेंगे, टॉयलेट्स हम सारे मुल्क में फैलाने की कोशिश करेंगे जगह जगह पे, लेकिन साथ साथ जो अभी इमीडिएट स्टेप लेंगे 2023 तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे मुल्क में कि टॉयलेट्स की कमी ना हो। एक हम ये भी स्टडी देख रहे थे कि टूरिज्म कम होने की पाकिस्तान में एक वजह यह है कि यहाँ टॉयलेट्स ही नहीं है, तो लोगों को बड़ी ये इशू होता है कि लंबे लंबे रिमोट एरियाज जो बड़े खूबसूरत एरियाज हैं लोगों को ये घबराहट होती है उसकी। नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके साथ वही बात दोबारा लेकर के आया हूं और वो है स्वच्छता अभियान। और आज इसलिए कह रहा हूं कि 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म की 150वीं जयंती मनाने का अवसर प्रारंभ हो रहा है और यह दिवस का इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी 2 अक्टूबर को 4 साल पहले हमने स्वच्छता अभियान का एक जन आंदोलन आरंभ किया था। अब उसको 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 125 करोड़ देशवासियों ने मिलकर के पूज्य बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया था। हम सबके प्रिय पूज्य बापू का ही आशीर्वाद है कि बीते 4 वर्षों में समस्त भारतवासी स्वच्छ क्रांति के दूत बन चुके हैं। देश के हर कोने में समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूर्ण करने के लिए जो भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्षमता से कभी कभी अधिक करने का भी प्रयास किया है। ये हमारे नागरिकों के आशीष, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सक्रिय भागीदारी का ही परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में देश में 8.5 करोड़, आंकड़ा छोटा नहीं है, 8.5 करोड़ शौचालय बनकर के तैयार हो गए। आज 90% भारतीयों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2014 के पहले सिर्फ 40% भारतीयों के पास ही टॉयलेट था। देश के करोड़ों करोड़ समर्पित स्वच्छाग्रहियों का ही यह पुण्य प्रताप है कि आज
भारत के 4.25 लाख से भी अधिक गांव, 430 जिले, 2800 नगर, शहर और कस्बे और 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त, ओपन डेफिकेशन फ्री ODF घोषित हो चुके हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के उपयोग से ही करीब 3 लाख मासूमों का जीवन बचने की संभावना जताई है। इमरान खान ने हालिया दिनों में एक योजना की शुरुआत की है जो स्वच्छ भारत अभियान की एग्जैक्ट कॉपी लगती है या सेम टू सेम लगती है, जिसमें पाकिस्तान को भी स्वच्छ किया जाएगा और उसमें स्वच्छ भारत के तरीके से ही प्रेरित लगता है। आप इमरान खान का भाषण सुने और देखें। मुल्क में गंदगी का प्रॉब्लम है, इसको हम इसका मसला हल करें। क्लास 1 से क्लास 5 के सिलेबस के अंदर ये आ जाएगा। इस्लामाबाद में हमने शुरू कर दिया है और फिर एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन देंगे, जिस तरह अभी अमीन ने बताया कि डंपिंग साइट्स, लोगों को अच्छा हमने कूड़ा जमा तो कर लिया, अब ये किधर जाएगा, तो उसके लिए पूरी कनेक्शन होगा, पूरी डंपिंग साइट्स आएंगी सामने, जिनके अंदर बताया जाएगा लोगों को कि यहाँ से किधर जाएगा, जो आगे हर लेवल के ऊपर, हर तहसील में, गांव के सतह के ऊपर ये इंशाल्लाह स्प्रेड कर जाएगा कि हर जगह जो वेस्ट होगी उसकी फिर एक डंपिंग साइट होगी। और वो उससे जो अगला कदम होगा, ये जो हम ये जो वेस्ट टू एनर्जी, इसके ऊपर अब पूरा जोर लगा रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हर जगह जो ये गंदगी होगी इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे। वो छोटे छोटे पैमाने पर हमारे बिजली के मसले भी हल होते जाएंगे इसके साथ। फिर हमने दूसरा ये करना है कि इसको मॉनिटर करेंगे। इसके लिए हम एक टीम ऑफ वॉलंटियर्स सारे पाकिस्तान में लेंगे और वैसे भी हम अपनी गवर्नमेंट के जरिए मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें तहसील लेवल के ऊपर मुकाबला करवाएंगे तहसीलों का, और हर दो महीने मॉनिटर किया जाएगा और 6 महीने के बाद फिर रिवॉर्ड करेंगे। जिन तहसीलों ने ज़्यादा सफाई की उनको बड़े कैश अवार्ड्स दिए जाएंगे और जो पीछे रह जाएगी उनको भी, उनके जो ऑफिशल्स हैं जो वहाँ, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिनको पैसे मिल रहे हैं सफाई करने के लिए, उनको पिनलाइज भी किया जाएगा, सजा और जजा आ जाएगा इसके ऊपर। फिर नंबर 2, ये 13 तारीख को, अगले सैटरडे को हम पहला दिन कॉल टू एक्शन, यानी हम अपनी इसकी इब्तिदा कर रहे हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं 13 को, जो हम सारे मुल्क में नेशन वाइड तहरीक लॉन्च कर रहे हैं, जो शुरुआत होगी इसकी वो है सैटरडे को। इसमें हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, सब इसके अंदर शिरकत करेंगे। हम सिविल सोसाइटी को कहेंगे, हम अपने स्टूडेंट्स को कहेंगे, हम ये आपको कहेंगे कि अपने, आजकल तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीर करो और उसको व्हाट्सएप पे लगाओ। एक पूरी मूवमेंट का आगाज़ करेंगे कि सारा मुल्क इस पर शिरकत करेगा। और मैं कन्विंस्ड हूँ कि जैसे जैसे हम सफाई देखते रहेंगे ये मूवमेंट बढ़ती जाएगी, क्योंकि इंसान के अंदर से फितरत ये है कि वो सफाई में रहना चाहता है, कोई इंसान गंदगी में नहीं रहना चाहता। लेकिन वो ये एक जेन आ जाता है कि जी ये तो ऐसे ही रहेंगे, सफाई तो होनी नहीं है, तो फिर वो एक्सेप्ट कर जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे हम लोग इसका फायदा देखेंगे, जब सफाई, गांव साफ हो रहा है, शहर हो रहे हैं, मोहल्ले हो रहे हैं साफ, तो उससे और ज्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट पूरी तरह आपके साथ खड़ी होगी। हम हर लेवल के ऊपर आपको बताएंगे कि क्या करना है, वहां से जो वेस्ट डिस्पोजल की हमने बात की, लैंडफिल साइट्स, ये सारी आपके लिए इसके ऊपर पूरी मदद होगी। और फिर ये जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं यूथ, इनको हम फिर एडवोकेट्स बनाएंगे, ये जाके
ये देखेंगे कि कोई कोई अगर कोई कहता है तो कम से कम प्यार से उसे समझाएंगे कि ये आपने गंदगी नहीं फैलानी। हम एम्बेसडर्स बनाएंगे मीडिया से, हम अपनी अपने सेलिब्रिटीज से, स्पोर्ट्समैन से, इनको हम ये क्लीन और कार्यकर्ताओं ने किया है सबके सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज इस पवित्र अभियान का आरंभ हो रहा है तब मैं उन सबको नमन करते हुए उन सबके आशीर्वाद के साथ इस कार्य को आरंभ करने के लिए मैं पूरे देशवासियों को प्रार्थना करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान है, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है हम हमारे देश को ऐसा न रखें। गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है? मैं जानता हूं ये प्रचार अभियान से होने वाला काम नहीं है, पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास 2019 तक महात्मा गांधी के 150 वर्ष मनाएंगे तब तक का समय है। मैं मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को वो फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा, हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्चे में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? मार्स को पहुंचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई मंत्री नहीं गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया था, भारत माता के संतानों ने किया था। सफाई भी हम सब मिलकर के करनी है। मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में आलोचना शुरू होने वाली है कि देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, मुझ पर भेड़ ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली मैं जानता हूं, लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और मैंने एक सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया है, mygov.in उस वेबसाइट पर भी है, क्लीन इंडिया के लिए एक अलग वेबसाइट भी बनाई है, फेसबुक ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है, #myCleanIndia ये भी आज मैंने 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के
अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। मैं विश्वास करता हूं जिन 9 लोगों को मैंने आज निमंत्रित किया है वे जरूर इस काम को करेंगे। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करें, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को